मैं पवन कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। पिछले वीडियो में हमने बताया था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया था, लेकिन आज क्या बताने जा रहे हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अब काइंड्स एंड पार्ट्स में आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो जान लीजिए काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, और पार्ट्स का मतलब होता है भाग, मतलब एक वाक्य के कितने भाग होते हैं, कितने भागों में उसे बांटा जा सकता है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस की परिभाषा, सेंटेंस की परिभाषा जान चुके थे। सेंटेंस क्या था? सेंटेंस था कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करे, अर्थात ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जैसा कि बच्चों हम कुछ बोलते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं अथवा किसी वस्तु का नाम लेते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो जिसके बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु का नाम लेते हैं अथवा किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो वस्तु अथवा व्यक्ति क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और उस वस्तु अथवा व्यक्ति के बारे में जो भी बोला जाता है वह होता है प्रेडिकेट। अब इसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे देखो सब्जेक्ट लिखा गया है, सब्जेक्ट क्या है, पहले इंग्लिश में परिभाषा में बताता हूँ फिर हिंदी में बताऊंगा। द पार्ट्स विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, अर्थात वह भाग जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम के बारे में बताता है वह कहलाता है क्या? देखते हैं, यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं या जिसके विषय में हम कुछ कह सकते हैं, यह होता है सब्जेक्ट। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देख लेते हैं, लिखा गया है रवि बॉट ए पेन, रवि ने एक कलम खरीदा, रवि ने एक कलम खरीदा। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। जैसे कौन सा व्यक्ति है? रवि है, तो रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और रवि हो गया सब्जेक्ट। हम और उदाहरण द ईस्ट, अब यहां पर किस चीज के बारे में बात हो रही है? किसी वस्तु के बारे में। सन, सन क्या है? सूरज। सन मीन्स सूरज, ये क्या है? कोई वस्तु है। राइजेज इन द ईस्ट, यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है? द सन के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये हो गया सब्जेक्ट। यहाँ डांसिंग इज हर हॉबी, अब किसके यहाँ भी डांसिंग एक कलो हॉबी है, इसके बारे में बात की जा रही है, यह हो गया सब्जेक्ट। प्रेडिकेट के बारे में, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है देखते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, यह क्या कहलाता है? वाक्य का प्रेडिकेट कहलाता है। अब हिंदी में हम देख लेते हैं, यह वाक्य का वह भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। अब देखते हैं उदाहरण, जैसे रवि बॉट ए पेन, हम बताए अभी कि रवि क्या था? सब्जेक्ट था, लेकिन अब इस सब्जेक्ट के विषय में बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है कि बॉट ए पेन, रवि ने क्या किया? एक कलम खरीदा। रवि बॉट ए पेन, रवि ने एक कलम खरीदा, यानी रवि ने क्या काम किया? बॉट ए पेन, एक कलम खरीदा, ये क्या हो गया? वाक्य का प्रेडिकेट हो गया। फिर अगला देखते हैं, जैसे लिखा गया है द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब इसमें देखते हैं कि द सन जो है ये सब्जेक्ट है, अभी हम बता चुके हैं, अब इस सूरज के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है? राइजेज इन द ईस्ट, क्या होता है? पूरब में निकलता है।
सूरज के बारे में बात क्या हुई, पूरब में निकलता है, अर्थात पूरब में निकलता है, राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब डांसिंग इज हर हॉबी, डांसिंग उसका हॉबी है, आदत है। अब डांसिंग के बारे में बात हो रही, डांसिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इज हर हॉबी ये है प्रेडिकेट। एक बार थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने के अलग से नियम थोड़ा सा बताएंगे, देखते हैं। अगर हमको सब्जेक्ट पहचानना है तो कैसे पहचानते हैं किसी को आ रहे हैं, उसको देखिए। वाक्य में कौन या किसने, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करो, किसने लगाकर प्रश्न यदि किया जाए तो इसका जो उत्तर आता है वही होता है सब्जेक्ट। देख लेते हैं इधर थोड़ा सा, रवि बाटे पेन, जैसे हमने सेंटेंस लिखा था रवि बाटे पेन, अर्थात इसकी हिंदी बताए थे रवि ने एक कलम खरीदा। अब हम देखते हैं कि कलम किसने खरीदा या कौन कलम खरीदा, इसका उत्तर क्या आया, रवि, तो रवि हो गया सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट पहचानने के लिए हम ये समझते हैं कि जो सब्जेक्ट के बाद जितना भी बचा सब क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। हाँ, तो आज हम लोगों ने जाना कि पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होता है, इसके बारे में जान लिया हम लोगों ने। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब अभी तक जाने पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, लेकिन अब जानेंगे पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।